नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा मुख्यमंत्री आवास में एक भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों से समा बांधा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी भजन गायक अवतार देखने को मिला। देखिए एक रिपोर्ट। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा मुख्यमंत्री आवास में एक भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों से समा बांधा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी भजन गायक अवतार देखने को मिला। सीएम मनोहर लाल ने माइक पर भजन गाया तो हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भी उनकी तारीफ की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है भजन गाया। इसको सुनकर वहां मौजूद लोगों ने सीएम मनोहर की जमकर तारीफ की। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार अनोखे अंदाज में नजर आ चुके हैं। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपो हर बाला बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। वहीं सीएम मनोहर और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 2000 श्रद्धालुओं को अयोध्या में श्री राम के दर्शन कराने की योजना बनाई जा रही है। राज्य की जनता 9 और 10 फरवरी को भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए अयोध्या जा सकेगी। विश्व हिंदू परिषद की योजना हर राज्य के हर जिले से 75-75 लोगों को अयोध्या ले जाने की है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल रहेंगे। अयोध्या ले जाने के लिए श्रद्धालुओं का चयन कैसे होगा, इसको लेकर आरएसएस, वीएचपी और सरकार के अधिकारियों के साथ मंथन किया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से 22 जनवरी को खास बनाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। भगवान राम जी का वास कोई किसी एक स्थान पर, एक घर में, एक व्यक्ति के अंदर नहीं, बल्कि समस्त जनों में होता है। समस्त आयु वर्ग के लोग, समस्त समाज के अलग अलग वर्ग, इन सब में होता है। तो हमने आज के इस दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी, हिंदू संस्कृति के हिसाब से आज का दिन बड़ा विशेष महत्व है। सूर्य की किरणें अभी तक दक्षिणायन की ओर बढ़ रही थी और आज मकर राशि में सूर्य की किरणें प्रवेश करते हुए उत्तरायण में आ गई। हमारे जीवन का अगर मानो ऐसा कोई अवगुण भी रहता है, अंधकार पक्ष होता है, उसको प्रकाश की ओर आने के लिए इस दिन का एक संकल्प हमारे सबके काम आता है। और मैं आभारी हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आह्वान किया सारे देश को कि हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है आने वाला 22 जनवरी। 22 जनवरी रामलला जी को विराजमान किया जा रहा है, उस जैसा बताया कन्हैया जी ने कि झोपड़ी से निकल करके और अब एक महल में उनको विराजमान किया जाएगा। उस अवसर की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसा अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में नौ का बहुत महत्व होता है, नवरत्न है, नवग्रह हैं, कई प्रकार के नौ के साथ विषय जुड़े हुए हैं, तो अगर आज का दिन जोड़ करके 22 जनवरी का दिन जोड़ लिया जाए तो ये उत्सव भी 9 दिन का बनता है।
आह्वान किया गया कि 14 जनवरी से ही हमको पूरे देश का वातावरण राममय बनाना है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से हम प्रभु राम की लीला कैसे कर सकते हैं, और नहीं तो राम जी के जो मंदिर हैं वहां जाकर के दर्शन करना, उन मंदिरों की सफाई स्वच्छता, उनकी सुंदरता, उन मंदिरों को कैसे भव्य बनाया जा सकता है। और 22 जनवरी के दिन पूरा देश राममय हो जाए। जैसे प्रभु रामचंद्र जी लौटे थे अयोध्या, दीपावली मनाई गई थी, तो ये भी एक दीपावली का एक दूसरा स्वरूप उस दिन हमको देखना चाहिए, बनाना चाहिए। तो मैं तो आज इस अवसर पर एक पन दो काज मुझे तो लाभ हुआ ही हुआ है, लेकिन हम सब प्रभु राम जी के उस लीला को दोहराते हुए उनके गुणगान से, उनके गुणगान को करते हुए अपने जीवन को शुद्ध करें। और इस अवसर की आज जो शुरुआत हुई है मकर संक्रांति के अवसर पर, इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। हरियाणा सीएम की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार फरवरी में अलग अलग जिलों से लोगों को वॉल्वो बसों के माध्यम से अयोध्या के राम मंदिर तक ले जाने की योजना बना रही है, जिससे हर राम भक्त को श्री राम के दर्शन कराए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला सेक्टर 5 यवनिका टाउन पार्क में दूसरे पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 जनवरी तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में अपने गांव के लेखक समेत कई अन्य लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकों की जानकारी हासिल की और उन्हें पढ़ा। इस पुस्तक मेले में हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें उपलब्ध रहीं। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेले की थीम विद्युत प्रभाव से ज्ञान प्रवाह है। उन्होंने लोगों से कहा कि पुस्तक को पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी बुके नहीं बुक दो का संदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारियों को भी राग दरबारी पढ़ना चाहिए, बुक से व्यवस्था को ठीक करने का संदेश मिलता है। पुस्तकें ज्ञान का वाहक होती हैं। जिस भाषा की समझ हो उसी में किताब पढ़ना चाहिए। पुस्तक मेले का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम ने कहा कि 2015 में हमने घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल सरकारी या प्राइवेट कॉलेज होगा। आज पंचकुला में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। इसके बाद सिर्फ दो जिले ऐसे बचे हैं, चरखी दादरी, पलवल, जहां शिलान्यास होना बाकी है। सीएम ने कहा कि पंचकुला में बनने वाला ये मेडिकल कॉलेज 30 एकड़ में बनाया जा रहा है। पहले चरण में 500 करोड़ खर्च होगा, जिसके बाद 300 करोड़ और खर्च होंगे, ये अनुमान है। और इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज होगा, जिसके बाद प्रदेश में 29 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। जैसे हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो इस नाते से आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले का मेडिकल कॉलेज, उसका भी शिलान्यास किया है। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र 3 जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। जमीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। वो 3 जिले हैं, चरखी दादरी, पलवल और बचे चरखी पलवल 2 का शिलान्यास सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, कतर हो गया है, मुझे मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो चुके हैं। टेंडरिंग भी कुछ जगह की हो गई है, कुछ का टेंडर अभी प्रोसेस में है और अब ये इसका स्टो के टेंडर नहीं होना है, ये HSVP ने सब बनाना या टेंडर भी करेंगे तो HSVP के
वाक्यों से, क्योंकि टेंडर होना है ना अभी, अभी होना है हाँ, तो एचएसवीपी ही उसका टेंडर करेगा। दो और रहेंगे, जल्दी से जल्दी उनका भी करके हमारा जो संकल्प 2015 का इस जो हमारा ये टर्म है इसके अंदर अंदर वो संकल्प हमारा पूरा होगा। और ये जो मेडिकल कॉलेज है 30 एकड़ जगह पर इसको बनाया जा रहा है, अभी पहले चरण में 500 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा, इसके बाद और जो आवश्यकता पड़ेगी आगे 300 करोड़ रुपए का इसमें और भी अनुमान है खर्च होने का। ये जो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो फिर हमारे कुल मिला करके 29 मेडिकल कॉलेज सरकारी और प्राइवेट से मिलाकर हो जाएंगे। आज के डेट में 15 मेडिकल कॉलेज है वो चालू है, उन 15 मेडिकल कॉलेज में इस समय 2185 MBBS की सीटों का एडमिशन इस वर्ष ये हो जाएगा, जो हमारी योजना सब चल रही है। पिछले वर्ष 1710 था, इस बार 475 सीटों का और वृद्धि हो रही है। और जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो इसके बाद ये संख्या लगभग 3500 संख्या जो है होगी। और 3500 डॉक्टर हर वर्ष अगर बनते हैं तो मैं समझता हूं कि हरियाणा की जो आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जो कमी है वो जितने भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यानी बनते हैं उनमें से कुछ हमारे यहाँ सर्विस में आते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो उस कमी को जैसे 3500 डॉक्टर्स इनकी सीटें हो जाएंगी तो उसके बाद कोई कमी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ नहीं रहेगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें वो भी 851 है इस समय, और आने वाले समय में बढ़ करके और ये भी लगभग 1200 के आसपास ये सीटें पीजी की हो जाएंगी। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी भी कोई कमी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। हर मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज ये भी एक प्रकार से स्थापित होगा। और हम उसके बाद हमारे डॉक्टर्स देश में कहीं भी सेवा करने के लिए जाए, विदेशों में भी जाए, तो एक प्रकार से खुले रूप से और हम उनको भेज पाएंगे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हैं, विशेष तौर पर अफ्रीकन कंट्री से जब हमारी बात होती है तो उनका जैसे युगांडा लगभग हमारे बराबर है, इस प्रदेश के बराबर है, और वहाँ मेडिकल कॉलेज सिर्फ आज की डेट में 2 है। तो वहाँ 2 है, हम कुछ वर्षों में यानी 29-30 मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। 2 मेडिकल कॉलेज में उनके 500-600 डॉक्टर बनते होंगे, हमारे यहाँ 3500 बनेंगे। तो उनके साथ एक MOU हम कर रहे हैं कि आपके विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहें तो कुछ सीटें उनके लिए हम रिजर्व भी कर सकते हैं। इस प्रकार का एक अनुभव ये आगे जो आने वाला है उसका ये कार्य होगा। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए 100 सीटें MBBS की और ये तय की गई है, 2.5 वर्ष में इसका निर्माण होकर के पूरा हो जाएगा, अर्थात 3रे वर्ष में यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशन है वो शुरू हो जाएगी। वहीं CM मनोहर लाल ने कहा कि आयुर्वेद पर भी हम काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र में बनाया है और केंद्र की तरफ से पंचकुला में एम्स बनाया जा रहा है, वो भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। कुटेल में नया विश्वविद्यालय मेडिकल साइंस के पहले फेज का काम शुरू हो गया है जो जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। 1100 खेल नर्सरी स्पोर्ट्स हमने दी हैं, 200 गांव हैं जहां 100 किलोमीटर में खेल के मैदान हैं, जबकि 300 गांव ऐसे भी हैं जहां 10 किलोमीटर में स्टेडियम या मैदान नहीं है। अगले बजट में इसका प्रावधान करेंगे। वहीं CM मनोहर लाल ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि वो 14 से 22 जनवरी तक 9 पवित्र दिन हैं। 14 से वे अपने क्षेत्र के मंदिर या तीर्थ में पूजा करने और स्वच्छ करने का अभियान शुरू कर रहे हैं। वहीं CM मनोहर लाल ने 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया। देखिए ये जो 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ये इसको मैं कहूंगा 9 दिन का एक पवित्र ऐसा ये मेला जिसको कहते हैं, या एक 9 पवित्र दिन। अपने यहाँ 9 के संख्या जो बड़ा महत्वपूर्ण है, 9 रतन है, 9 ग्रह है, 9 नवरात्रे हैं,
ऐसे करके 9 का दिन बड़ा आंकड़ा महत्वपूर्ण था। 9 दिन समय बनता है 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। 14 से अभियान को शुरू किया है कि अपने अपने क्षेत्र के सभी जो मंदिर हैं या और जो तीर्थ छोटे बड़े हैं उन सब धार्मिक स्थानों पर जाकर इबादत करें, पूजा करें, जैसा भी पाठ करें और उसकी साफ सफाई, उसकी सुंदरता, स्वच्छता और उसको कैसे हम अपने तीर्थ स्थानों को, मंदिरों को, इस धार्मिक स्थानों को कैसे पवित्रता उसकी बढ़ाएं, क्योंकि सफाई भी अपने आप में व्यक्ति को आकर्षित करती है, उन स्थानों की स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। तो वो आह्वान किया और सब लोग अपनी अपनी सुविधा से किसी न किसी एक मंदिर में इन 9 दिनों में जाएंगे। 22 तारीख को एक आह्वान किया गया कि हर परिवार अपने घर में दीपोत्सव करे सायंकाल और 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक वो जहां भी है वो लाइव जुड़े। हम अपने यहाँ एक विचार करके निर्णय करेंगे कि जहाँ इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या हमारे कार्यालय हैं, ऐसे सब स्थानों पर लाइव की व्यवस्था कोई कराई जाए 2 घंटे का, 11 से 1 राममय वातावरण 22 तारीख को हो, इस प्रकार का हर प्रकार के संभव निश्चित रूप से हो रहा। और मैंने एक जगह बताया भी है कि ड्राई डे की डिमांड करने वाले 2-3 लोग मेरे पास ऐसे आए जो सेवन करते हैं मध्य का, वो कहते हैं जी उस दिन तो ऑपरेशन बंद कर दो, हम भी राम जी के नाम से शायद हमारे जीवन में कोई अच्छाई आ जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने विभाग को कहा कि इसके लिए एक योजना बना करके कि 22 तारीख को शराब की दुकानें बंद रहे और एक प्रकार से इसको मान लीजिए कि ये निर्णय हो गया कि 22 तारीख को और ड्राई डे रहेगा और सब शराब की दुकानें उसे बंद रहे। वहीं इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी सीएम मनोहर लाल ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत में न्याय करने से पहले पार्टी में न्याय करे, पार्टी में किसी के साथ अन्याय ना हो उनका भला हो जाएगा। करना ही चाहिए, मैं उसके किसी कार्यक्रम, उनके किसी कार्यक्रम का विरोध थोड़ी करूंगा। लोकतंत्र है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने तरीके से जनता के पास जाना चाहिए। अगर वास्तव में हमारी कोई गलत नीति है उनको जनता को बताना चाहिए और केवल विरोध के लिए विरोध करना कि नहीं नहीं ये तो सत्ताधारी पक्ष है, हम विरोधी हैं, इसलिए सरकार की कोई भी नीति उसका विरोध करेंगे, तो इसके इसका जो निर्णय है ना हमने करना ना उन्होंने करना, इसका निर्णय किसने करना? जनता ने। जनता के वहां जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सब पार्टी में जाना चाहिए। और यह तो लोकतंत्र का एक उत्सव होता है चुनाव, उस उत्सव के समय मंथन करना चाहिए पूरा, जनता को पूरा अधिकार देना चाहिए कि आप जो अच्छा है वो चुनो, जो गलत उसको मत चुनो। और गलत कौन है, अच्छा कौन है, कौन निर्णय करेगा? जनता। कांग्रेस के लोगों ने जो एक न्याय यात्रा का जिक्र किया तो मैंने उनसे एक और बात कही है कि वो न्याय पहले अपने पार्टी में करें। पार्टी में एक दूसरे के साथ जो अन्याय वो कर रहे हैं सब संदक दिखता है, इसलिए वो अन्याय वहां ना हो किसी के साथ तो उसको न्याय यात्रा को उस तक सीमित रखेंगे तो उसका भला हो जाएगा, वरना तो कांग्रेस तो कल भी डूबी, आज भी डूबी, आगे भी डूबेगी। हम चाहते हैं थोड़ा विपक्ष तो बचा रहे। बहरहाल प्रदेश के मुखिया हरियाणा को हर क्षेत्र में अव्वल करने में जुटे हैं। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, जिसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का दुरुस्त होना जरूरी होता है। लिहाजा सीएम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अब नए मेडिकल कॉलेज की प्रदेश को सौगात दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।